आज की वीडियो बहू के पैर कच्ची पक्की सड़कों पर करते हुए कार नियंत्रण कुल देवी के मंदिर की तरफ जा रही थी। कार के पीछे ही चल रही बस में बैठी घर की महिलाएं मंगल गीत गा रही थी और हंसी ठिठोलियां कर रही थी। सबके चेहरे पर रौनक देखते ही बनती थी। कल ही घर में बेटे वरुण की शादी लौट कर आई है और आज सभी रिश्तेदार मिलकर कुल देवी के मंदिर की तरफ जा रहे हैं। कार में बिंदा जी अपनी नई नवेली बहू तनु और बेटे के साथ बैठी अपने पति रामेश्वर जी से बात किए जा रही थी। साथ ही साथ ड्राइवर को भी हिदायत दिए जा रही थी कि थोड़ा जल्दी करो, कुल देवी के दर्शन का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि पट बंद हो जाए। जबकि अपनी सास और पति वरुण के बीच में गज भर का घूंघट लिए बैठी तनु चुपचाप सबकी बातें सुन रही थी। एक तो जून का महीना, ऊपर से इतनी भीषण गर्मी, उस पर भी नहले पे दहला शादी का भारी लहंगा और ओढ़नी गहने भी सारे पहने रखे थे। क्या कम था ई कि इतना लंबा घूंघट भी करवा दिया। इसमें भी इस छोटी सी कार में एक तरफ पति बैठा हुआ है और दूसरे तरफ सास, उन दोनों के बीच फंसी तनु इधर से उधर हील डुल भी नहीं पा रही थी। पर इन सब से भी ज्यादा परेशानी तनु को थी। उसकी आंखों में से आंसू गिर रहे थे, जिसे बार बार अपने रुमाल से पोंछती जा रही थी। रह रह कर कल शाम की बात दिमाग में घूम रही थी। जब मुँह दिखाई की रस्म होने वाली थी, कल सुबह ही तो बारात रवाना होकर घर आई थी। तब तक तो सब कुछ ठीक था। दिन में थोड़ा से बहुत रस्म हुई और उसके बाद थोड़ा बहुत आराम। शाम को मुँह दिखाई को रस्म होने वाली थी, इसके लिए तनु बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। वैसे भी नई नवी दुल्हन थी तो अगले से तैयार होना तो बनता है। थोड़ी देर बाद शादीशुदा ननंद मीनू ने आकर कहा, भाभी जल्दी करो, मेहमान और आप आसपास की सभी औरतें आ गई हैं। हाँ दीदी, बस तैयार हो गई। मीनू तनु को लेकर के निकल ही वाली थी कि इतने में बिंदा जी दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ आई और तनु को लगभग अंदर की तरफ खींचते हुए बोली, अरे ये क्या बहू, घूंघट तो करो और यही कमरे में रहो। पर मम्मी आपने यही तो घूंघट होता ही नहीं है ना, और कमरे में कौन सी मुंह दिखाई की रस्म होती है, मीनू ने हैरान से पूछा। हाँ नहीं होता, लेकिन तनु घूंघट करेगी और फिलहाल आज के लिए ये इस कमरे में रहेगी। जब तक हम कुल देवी के दर्शन ना कर लें, तब तक ये और वरुण आपस में बात भी नहीं कर सकते हैं, मिंदा जी की ने लगभग अपना फैसला सुनाते हुए कहा। पर क्या हुआ मम्मी, मीनू ने दोबारा पूछा तो बिंदा जी ने घूर कर उसे देखा, जैसे कह रही हो कि अब चुप रह। उनकी आंखें देखकर ही मीनू चुप हो गई और तनु की वापस उसी कमरे में लेकर बैठा दिया। थोड़ी देर बाद बिंदा जी अपने ननद सुमिता जी के साथ कमरे में आई और आते ही सुमिता जी तनु से बोली, अरे बहू जरा अपने पैर तो दिखाना। उनकी बात सुनकर एक पल के लिए तो तनु की समझ ही नहीं आया कि बुआ जी कहना क्या चाह रही हैं। उसे चुप देखकर जब दोबारा बुआ जी ने कहा, अरे बहू बहरी हो गई है क्या, कहीं रही हूँ ना, अपना दोनों पैर दिखा। तनु ने लहंगा थोड़ा सा ऊपर करके दोनों अपने पैर दिखाए। पैर देखते ही सुमिता जी बोली, देखा मैंने कहा था ना तुझसे, क्या देखकर लड़की लेकर आई तू, इसके पैर तो के उंगली तो इसके अंगूठे से भी बड़ा है। हाय राम जी जी, मैं तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, काश ध्यान दिया होता तो इसे घर में लेकर, कहते हुए कहते कहते वो चुप हो गई।
परिंदा जी इस तरीके से कह रही थी जैसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तभी बुआ जी बोलने लगी, या तो अब कलश अंदर की तरफ है, ढकेल रही थी तब देख लिया मैंने, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। तू भी बिंदा बहू लाने के चक्कर में ऐसी बावरी हुई कि बस अपना घर बर्बाद करने में तुली गई है। क्या कर सकती जीजी, जब इसे देखने गई तो तब ठंड का मौसम था, इसने पैर में जुलाब पहन रखी थी, इसलिए मुझे इसके पैर देखे नहीं और मैंने भी ध्यान नहीं दिया। अरे तो जुलाब खुलवा कर देख लेती, इतनी सी भी जुवान नहीं हिलनी तेरी। अरे घर में कुत्ता भी लाओ है तो उसे भी पैर की उंगलियां को देख जाता है। जे तो बहू लानी थी, अब क्या होगा जीजी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर मत, मैं हूँ ना, जब कुलदेवी के दर्शन मंदिर में दर्शन ना कर दो, इसका चेहरा घर में किसी को देखने मत, खासकर एक अपने बेटे को, और सारे रस्म और रिवाज छोड़ कर ही कुलदेवी मंदिर जाने की तैयारी कर। ठीक है जीजी, जैसे आप कहो। कहते कहते सुमिता जी और बिंदा जी ने ऐसी तिथि नजरों से तनु को देख जैसे पता नहीं तनु के साथ है इस घर में क्या बावण आ गया है। इसके बाद दोनों कमरे के बाहर निकल गईं। दोनों ही की बात सुनकर तनु के आंखों में आंसू भी निकल आए। क्या एक बहू और कुत्ते में कोई फर्क नहीं होता है। रात को भी मनु आकर ही खाना दे गई थी, उसके बाद कमरे में ना कोई आया ना कोई गया, तनु अकेले ही कमरे में रही। सबसे ज़्यादा हैरान तो इस बात की थी कि भला यह कैसे नई दुल्हन की स्वागत। सुबह भी जब कुल देवी के मंदिर के लिए निकल तो तनु अपने कमरे से ही घूंघट लेकर निकली थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कल की बात याद करके तनु की आंखों से बार बार आंसू आ रहे थे, पर शायद उसके आंसुओं का इन अंधविश्वासियों के सामने कोई मोल नहीं था। आखिर मेरे पैर में ऐसा क्या दिखाई लिया कि इन लोगों ने जो इतना बड़ा बवंडर बना दिया। रह रह कर बस यही सवाल उसके मन में आ रहे थे। तनु कुछ समझ नहीं पा रही थी, घूंघट में से ही अपने दोनों पैरों की तरफ देख रही थी, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कभी अपने पैर देखती तो बिंदा जी के, इन्हीं लोगों की तरह तो पैर है मेरा, फिर मेरे पैरों में क्या कमी रह गई जो इतने अफसुगनी हो गई। कुलदेवी के मंदिर पहुंचने से पहले वरुण को मेरी शक्ल भी नहीं दिखानी। आखिर क्यों, वो तो मुझसे 3-4 बार पहले भी मिल चुका था। एक बार तो मम्मी जी खुद उसके साथ थी, पर अब क्या हो गया और इस छोटी सी कार में मुझे चिपक के ही तो बैठे हुए हैं। अब क्या उस पर अफसोगनी नहीं लग रहा है जितना दिमाग वो लगा सकती थी, लगा रही थी, पर जवाब उस किसी चीज का नहीं मिल रहा था। जून के महीने गर्मी में दिमाग भी गर्म होता जा रहा था, ऐसे लग रहा था कि बस थोड़ी देर बाद फट पड़ेगा, पर नई नवीली बहू को तो बम की तरह फटने पढ़ने का भी हक नहीं होता। जो जैसे चल रहा है बस चल ही जा रहा था। खैर थोड़ी देर में कुल देवी के मंदिर पहुँचे, जिसे देख कविंदा जी के मुंह से सबसे पहले यही निकला, भगवान का शुक्र है कि पट बंद नहीं हुआ है। फिर अपने पति रामेश्वर जी से बोली, अरे जाओ जरा बस में जीजी को फटाफट लेकर आओ, अब वही बताएंगे कि करना क्या है। रामेश्वर जी फटाफट अपनी पत्नी के बात पर अमल करते हुए बस की तरफ लपक और अपनी बड़ी बहन यानी कि सुमिता जी को फटाफट बिंदा जी के पास लेकर आए, जिन्हें देखते ही बिंदा जी बोली, हाँ जीजी, अब बताओ क्या करना है। अरे क्या करना है, फटाफट से अपनी बहू और बेटे को कार में से निकालो और दर्शन कराओ, मंदिर में ले चलो। याद रखना बेटा आगे खड़ा होना चाहिए,
और बहू उसके पीछे ही चले। कुल देवी के दर्शन के वानरों को तो बाहर कंपाउंड में बैठा दिया गया, जबकि विंदा जी, सुमिता जी और तनु वहीं पंडित जी के पास बैठाया गया। इधर उधर की बात कर विंदा जी सीधे मुद्दे पर आई और पंडित जी से बोली, पंडित जी, माता रानी की कृपा से तो शादी का सारा काम निर्बंध हो गया, किंतु एक समस्या है जिसका समाधान आपको करना है। क्या हुआ बहन जी, बोली। इसीलिए पहले की विंदा जी कुछ कहते, सुमिता जी बोली, अरे वो बहुरिया पहले अपने पैर पंडित जी को दिखाना। तो सुमिता जी ने कहने पर तनु ने खड़े होकर अपने पैर पंडित जी को दिखाए। तनु के पैर देखते ही सुमिता जी बोलना शुरू किया, ये देखो पंडित जी, बहुरिया के पैरों की उंगलियां तो इसके अंगूठे से ही बड़ा है। आपको तो पता ही है अब ऐसी लड़की कहाँ ससुराल में निभा कर पाती है, यहाँ तक कि ससुराल में वही अपनी चलाती है और हमेशा पति को दबा कर रखती है। अब हमारा तो एक ही बेटा है, अगर वो भी बहू के कहने पर चलेगा तो भला हमारा क्या होगा। सुमिता जी अपनी ही रोम से बोली जा रही थी। तनु उनकी बात सुनकर हैरान रह गई कि भला यह क्या बात हुई, मेरे पैरों की उंगलियां मेरे अंगूठे से बड़ा है, इसका मतलब इनके बेटे को बस में कर लूंगी और पूरे घर में अपनी चलाऊंगी। हे भगवान, ये क्या सोच है भला, बहू घर में आई तो नहीं कि बेटा हाथ से जाने का डर सताने लगा। अब जिसके पैरों की बनावट ही ऐसी है वह क्या कर सकता है। अरे तुम लोग भी क्या बात कर रही हो, भला ऐसे भी कभी होता है क्या, दरवाजे पर खड़े रमेश्वर जी ने कहा, जिन्होंने शायद आते समय अपनी पत्नी और बहन की बात सुन ली। अरे आप तो बीच में ना ही बोलो तो अच्छा है, आप तो अपने व्यापार पर ध्यान दो या घर का मामला इसे हमें निपटाने दो, बेवजह हर बात में अपनी नाक मत घुसाया करो, बिंदा जी ने रमेश्वर जी को चुप करवाते हुए कहा। उनकी बात सुनकर रामेश्वर जी चुप हो गए और चुपचाप बाहर जाकर अपना काम करने लगे। यह नज़ारा देखकर तनु अपनी सास के पैर की तरफ देखने लगी, फिर अपने पैर की तरफ। उसे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसने अपने पति को बस में कर रखा है, जो एक ही डांट में पति चुप हो गया। तभी पंडित जी बोले, अरे बहन जी, अब जिसके शरीर का बनावट ही ऐसी हो वो क्या करेगा, आप तो एक काम कीजिए, मैं कुछ पूजा बता देता हूँ, आप लोग वो करवा लीजिए, बाकी सब माता रानी की इच्छा। पंडित जी ने अपने कुछ तरीके बता दिए, लेकिन विंदा जी और सुमिता जी उससे संतुष्ट नहीं हुए। तनु को भी बाहर घूमट में ही बैठा कर दोनों मंदिर के एक तरफ जाकर बात करने लगी। जी, पंडित जी ने भी तो पल्ला झाड़ लिया, यह कहकर कि जिसकी बनावट ही ऐसी हो वो क्या करेगा, मुझे तो पहले ही पता था इसका कोई उपाय नहीं है, यहाँ तो लड़की देखते समय ही देखना चाहिए था, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, शादी तो हो गई, अब तो हमें ही अपने स्तर पर कुछ करना पड़ेगा, क्या करें जीजी, मेरा इकलौता बेटा है, कहीं बहू के चक्कर में हमें छोड़कर चला गया तो हमारा क्या होगा। तू तो एक काम कर, जहाँ तक हो सके बहू को दाब कर रख और दोनों के बीच में प्रेम पनपने ही मत दे, वरुण के सामने तो इच्छी अच्छी ही बने रहा
बाकी फिर मैं ही हूं ना। मैं देख लूंगी, बस तू तो बहू पर नजर रख। अब आ गई है तो इसे से ही काम चलाना पड़ेगा। बिंदा जी को भी सुमिता जी की बात जज गई। सब कुल देवी पूजा कर वहां से रवाना होकर घर आ गए। इधर बिंदा जी भी पूरे साहसपन पर चुकी थी। उन्होंने सत प्रसिद्ध सुमिता जी की बातों पर अमल रखना शुरू किया। घर आने के बाद बिंदा जी के दिमाग में कोई ना कोई खिचड़ी पक रही थी। आखिर ऐसा क्या करें कि वो जिससे वरुण और तनु के में प्यारपन ही ना पड़े। इसीलिए जब घर से मेहमान रवाना हुए तब बिंदा जी ने सुमिता जी को घर पर ही रोक लिया। सुमिता जी ने बिंदा जी को समझाया और दोनों अपनी योजना पर अमल करने लगे। आज वरुण और तनु की सुहागरात थी। वरुण के कमरे में फूलों से सजाया गया था। बिंदा जी ने खुद अपने बेटी मनु से भेजकर तनु को तैयार करवाया था। रात को तनु कमरे में ही थी। इधर मनु और वरुण बीच हंसी झिठोलियां चल रही थी कि बिंदा जी अचानक जोर से चिल्लाई, हाय राम, मैं तो मर गई। अचानक से सब लोग बिंदा जी के कमरे में की तरफ भागे। देखा तो बिंदा जी जमीन पर पड़ी हुई थी। उन्होंने देखते ही वरुण और मनु के साथ एक साथ बोले, क्या हुआ मम्मी? इससे पहले बिंदा जी कुछ कहती सुमिता जी बोली, अरे भाभी का पैर फिसल गया और वो गिर गई, शायद मोच आ गई हो, देखो जरा। नहीं नहीं जीजी, मोच तो नहीं आई है, पर कमर में बहुत दर्द हो रहा है। हाय राम, उससे तो खड़ा भी नहीं होता बन रहा है। बेटा वरुण जा, सहारा देकर उठा लो। सही, आखिर वरुण ने सहारा देकर बिंदा जी को उठाया और कहती हुई अपनी माँ को बिस्तर पर लिटाया। हाय राम, मेरी कमर बहुत दर्द हो रहा है, कोई मालिश कर देता तो अच्छा हो। इतने में मनु बोली, मम्मी आप परेशान ना हो, मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं, हमारे में बेटियों से अपनी सब नहीं करवाया जाता। जब घर में बहू तो है ना, बहू करेगी। आज वो तेरी माँ की सेवा कर देगी और यहीं तेरी माँ के पास सो जाएगी, सुमिता जी ने कहा। तो वरुण और मनु के एक दूसरे का शक्ल देखने लगे, पर कर क्या सकते थे। आखिर मनु तो तनु को बुला लाई। तनु ने आकर बिंदा जी की कमर में मालिश की, उसके बाद उनके पैर दबाने लगी। रात काफ़ी हो चुकी थी इसलिए वरुण कमरे में जाकर सो गया और तनु बिंदा जी के साथ उनके कमरे में। लेकिन रात को बिंदा जी के खर्राटे मारते हुए आराम से सोते देखकर तनु के मन में यही बात आ रही थी कि कहीं सासू माँ का नाटक तो नहीं कर रही हैं। दूसरे दिन सुबह बिंदा जी कहते हुए ही जैसे तैसे कमरे से बाहर आई तो हाल में आकर सोफे पर बैठी। वही तनु को पहली रसोई का रसम के नाम पर सुमिता जी ने काम पर लगा दिया। बिल्कुल भी मौका नहीं दे रही थी कि वरुण तनु आपस में बात तो कर लें। खाना खाते समय भी कहीं से न कहीं तक नहीं लग रहा था कि बिंदा जी के कमर में दर्द है, बल्कि बैठे बैठे वो तो तनु के काम में मीन मेख निकाल रही थी। अभी वो मीन मेख निकाल ही रही थी कि इतने में मीनू ने कहा, क्या मम्मी, आप तो आपकी बातों को सुनकर कहीं से भी नहीं लग रहा कि आपकी कमर में दर्द है। कहीं बहू के आते ही आप भी टिपिकल सास की तरह नाटक तो नहीं कर रही करने लगी, मनु ऐसे कहकर जोर से हंसने लगी। सबकी नज़रें आपकी तरफ देखकर बिंदा जी खिसियाते हुए बोली, हाँ हाँ, जिसको लगता है उसे उसी को पता चलता है। अब तू भी मेरा मजाक बना ली? अरे मम्मी, मैं तो मजाक कर रही हूँ, क्यों बुरा मान रही हो? जब तनु घर के काम से फ्री हुई तो बिंदा जी वरुण को बोली, मुझे तो डॉक्टर के पास लेकर चल, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है। इतने में ईश्वर लाल जी ने कहा, अरे मैं ले चलता हूँ, वरुण को क्या परेशान कर रही है तू? बिंदा जी उन्हें झिझकारते हुए बोली, आप तो रहने दो, दिखा तो ऐसे रहे हो कि जैसे बड़ी सेवा करते हो मेरी।
मेरे बेटे मुझे लेकर जाएगा, तो कोई परेशानी है क्या? अरे पर भगवान, मैं तो इसलिए कह रहा था कि कम से कम पता तो होता कि तुम्हें कौन सी दवा किस समय देनी है। आखिर तुम्हारे साथ कमरे में मैं ही तो रहता हूँ। हाँ, बड़े आए मेरे सेवा करने वाले, आप तो घर बैठो। वरुण मुझे दिखाएगा और वही बता देगा कौन सी दवा कब लेनी है। अपने पति को झिझकारते कर बृंदा जी रवाना होने के लिए अपने स्लीपर्स पहन रही थी, तब भी तनु अपनी सास के पैरों की तरफ बड़े गौर से देख रही थी। कभी उनके पैरों की तरफ देख रही थी तो कभी अपने ससुर जी की तरफ। अभी भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी भी दिमाग में यही बात चल रही थी कि मेरे पैरों की उंगलियों को देखकर बेटा कहीं बहू की मुट्ठी में ना आ जाए, इस बात का डर लगा रहा है। और यही तो इनके पैरों की बनावट इनके अनुरूप होने के बावजूद भी ससुर जी इनकी मुट्ठी में हैं। है भगवान, ये दुनिया भी बड़ी अजीब है। पति भी मुट्ठी में चाहिए और बेटा भी मुट्ठी में ही चाहिए। आखिरकार वरुण बिंदा जी को लेकर हॉस्पिटल रवाना हुआ तो सुमिता जी भी उनके साथ हो गई। बिंदा जी को सुमिता जी के साथ बाहर बैठकर वरुण डॉक्टर के केबिन में चला गया। पीछे से बिंदा जी सुमिता जी से बोली, जी जी ऐसा कैसे काम चलेगा? आखिर कब तक मैं बहू बेटे को दूर रख पाऊंगी? देखा नहीं कैसी मनु ने बात पकड़ ली। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। आखिर ये नाटक हम हमेशा के लिए तो नहीं कर सकते, अब तो कुछ और ही करना पड़ेगा। बेटा के मन में बहू के लिए गलत फैमिली पैदा ही करना पड़ेगी, जिससे दोनों में प्यार पनपन भी न पाए और ऐसी बहू से हमारी पिंड भी छूटे। सुमिता जी अपने अकल लगा रही थी दोनों बातें के किए जा रही थी, लेकिन दोनों में से किसी ने भी ये नहीं देखा कि वरुण उनके पीछे कब का आकर खड़ा हो चुका है और शायद उनकी बातें सुन भी चुका है। इतने में विंदा जी की नज़र वरुण की तरफ गई तो वो घबराई गई। वरुण ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उनकी तरफ देखता रहा। तो सुमिता जी बात संभालते हुए बोली, बेटा क्या कहा डॉक्टर ने? चल जल्दी से तेरी माँ को दिखा लेता हूँ। वरुण गुस्से से सुमिता जी को देखते हुए बोला, दिखाना क्या है, अच्छी भली तो है मम्मी, इतना बड़ा धोखा, वो भी अपने बेटे के साथ। अगर इतनी ही नफरत थी तनु से तो शादी ही ना कराती, कम से कम उसकी ज़िंदगी बर्बाद तो ना होती। कोई ज़बरदस्ती तो शादी नहीं हुई है हमारी, आप ही नाश्ते गाते लेकर आई थी अपनी खुद की पसंद की बहू। बिंदा जी से पहले बोलते न बने पर फिर खुद को संभालते हुए गुस्से में बोली, तो और क्या करती मैं, शादी में पहले अगर उसकी पैरों की उंगलियां देख लेती तो कभी न शादी करती मैं तेरी उससे। उस समय तो ठंड के कारण जुराबे पर पहन कर आई थी अपनी कमी छुपाने के लिए, और अब मेरे बेटे को मुझसे छीन रही है, तुझे अपनी मुट्ठी में करके हमारा घर बर्बाद कर देगी। वरुण को अपनी मम्मी की सोच पर बहुत बहुत गुस्सा आ रहा था। ये कैसी बात कर रही हो मम्मी, आज के ज़माने के ऐसी बात कौन मानता है, अंधविश्वास में अंधी हुए जा रही हो, आखिर खुद अपना घर बर्बाद कर रही हो पर इंजाम अपनी बहू पर लगा रही हो। उसकी बात सुनकर बिंदा जी ने कहा, देख ले असर दिखाना शुरू कर दिया ना, उस अपशगुनी ने आज बेटे को माँ से लड़वा ही लिया, उसके लिए तू मुझसे लड़ने को तैयार हो गया? घर जाकर सबसे पहले उस अपशगुनी को ही निकालती हूँ। ठीक है, बिल्कुल निकालो, पर उसके साथ मैं भी जाऊँगा। पैरों की बनावट को देखकर अपने अंदाज लगा लिया कि आने वाले वक्त में आपकी बहू आपके बेटे को मिट्टी में कर लेगी और आपका बेटा आपका न रहेगा। तो एक बात बताओ मम्मी,
आपके पैर की बनावट तो सही है ना? फिर आप तो कभी भी पापा को छिटकाट कर एक तरफ बैठा देती हूँ। आखिरकार वरुण के घर से निकल जाने के बाद सुनकर बिंदा जी चुप तो हो गई, लेकिन इतना बहस के बावजूद भी बिंदा जी मानने के तैयार नहीं थी। घर आने के बाद मिता जी तो शक और अंधविश्वास के कीड़ा बिंदा जी के देकर अपने घर रवाना हो गई, और इधर बिंदा जी अपने अंधविश्वास में ही जा रही थी। वक्त यूं ही बीत रहा था, लेकिन तनु को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फिर पति का प्यार था, ननद का साथ था, ससुर का आशीर्वाद था, इसलिए बिंदा जी ज़्यादा कुछ कह नहीं पाती। सब इस तरह हंसी खुशी जी रहे थे, इस उम्मीद के साथ किसी कभी कभी तो बिंदा जी अपने अंधविश्वास को छोड़कर तनु को मन से अपना पाएगी।